क्वेश्चन नंबर 2.34 में हमें कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिस्क्राइब करनी है. फर्स्ट सिचुएशन है अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन. लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब हमने पहले पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके परपेंडिकुलर हुआ करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इनके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये प्लेन होगा. तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई. अब एक और चीज़ हमने क्या देखा है, हमने पढ़ रखा है E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट. तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट बना रहेगा, वो सेम रहेगा. मतलब अगर हम एक और ड्रॉ करते हैं सरफेस, से ये ड्रॉ की, तो हम क्या देखेंगे, जो इन दोनों का डिस्टेंस है वही इन दोनों का डिस्टेंस है. रीजन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कांस्टेंट है. तो ये फर्स्ट सिचुएशन के लिए. सेकंड सिचुएशन में क्या दिया गया है, अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन डायरेक्शन, रिमेन्स इन अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन. सेकेंड केस भी लगभग ऐसा ही है. फील्ड तो जेड डायरेक्शन में मान लेते हैं, दिया है बुक में. मैग्नीट्यूड में ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जेड डायरेक्शन की तरफ ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr. अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं. तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप z डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. इट मींस जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज होंगी वो स्टार्टिंग में तो दूर दूर होंगी और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा. ऐसे बना देते हैं. ये सब पैरेलल सरफेसेस हैं एक दूसरे के. तो अगर मैं बोलूं R1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, R2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक और ड्रॉ करते तो R3, तो हम क्या कह सकते थे, R1 इज ग्रेटर देन R2, और इवेंचुअली अगर आगे ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह से कम होता जाएगा. एक और बात है, हमने प्लेन क्यों लिया है वो दोबारा डिस्क्राइब कर लेते हैं. एक सिंपल सा रूल ये है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसके परपेंडिकुलर होता है सरफेस. थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में अगर हम बोलें तो हम ये बोलते हैं, अगर हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर dr डिस्टेंस चलते हैं तो वेक्टर E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू dr. तो अगर हम ये वाला प्लेन कंसिडर करते हैं, इस पर कहीं भी चलते हैं, इस प्लेन पर कहीं भी, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये ऐसे है प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पेन की तरफ है. तो इसमें कहीं भी चलें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही होगा. केस थ्री, केस थ्री में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिस्क्राइब करनी. तो अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसकी सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होंगे, वो क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे. इस तरह से ड्रॉ करते जाना है. केस फोर में हमें दिया गया है अ यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज्ड वायर्स इन अ प्लेन. देखिए ये एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ग्रिड फॉर्म में वायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. से ये है एक वायर ये है, ये इस तरह से वायर्स हैं और सब चार्ज्ड हैं.
जब हम इन्हें पास से देखते हैं वायर्स को तो इनका डिस्टेंस कंसिडरेबल होता है, लेकिन अगर दूर से देखें तो ये बहुत क्लोज नज़र आएंगे। जैसे अगर हम किसी वायर मेश को से आटा छानने वाली छन्नी उसको पास से देखते हैं तो उसके वायर्स दूर दूर नज़र आते हैं, पर अगर दूर से देखें तो वो सब क्या हैं, क्लोज हैं। तो अगर इसको क्लोज से देखा जा रहा है तो ये वायर्स अलग अलग हैं, पर हम अगर लार्ज डिस्टेंस से ऑब्जर्व करेंगे तो ये पूरी की पूरी ग्रिड कैसे बिहेव करेगी, एज अ प्लेन शीट। और प्लेन शीट के लिए जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट होता है स्पेस में। तो इसके लिए जो लार्ज डिस्टेंस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी वो इस ग्रिड के पैरेलल एक प्लेन होगी। इसी तरह से अब दूसरी जगह प्लेन होगा, ये प्लेन्स इस ग्रिड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब इस ग्रिड को लॉन्ग डिस्टेंस से देखा जाएगा तो ये ग्रिड जो है वो कैसे बिहेव करेगी, लाइक अ प्लेन शीट। क्यों? क्योंकि ये वायर्स दूर से पास पास ट्रीट किए जा सकते हैं, और ये बहुत क्लोज हों सारे वायर्स तो क्या कैसे लगेगा, जैसे कि कंप्लीट एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज होने की वजह से इसका जो फील्ड होगा वो स्पेस में वेरी नहीं करेगा डिस्टेंस के साथ, रीज़न आर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इससे परपेंडिकुलर निकलेंगी, और सारे जो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आएंगी इक्विडिस्टेंट आएंगी।